वाले क्षेत्र के गोला बाजार की रहने वाली पीड़िता ने दबंग लोगों द्वारा उसके हिस्से की जमीन व घर पर कब्जा किए जाने की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है और न्याय की गुहार लगाई है। जिला मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर आंखों में आंसू लेकर अपनी व्यथा सुना रही इस पीड़िता का नाम रीना देवी पत्नी ओमवीर सिंह निवासी गोला बाजार थाना कोतवाली है। इसने यहाँ पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र दिया है जिसमें उसने बताया कि वे घरों में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है, इसी से अपनी गुजर बसर भी करती है। लेकिन पीड़िता के जेठ अरविंद कुमार पुत्र राम बाबू जो की श्रीमान जी के आवास पर फॉलोअर्स के पद पर कार्यरत है, पीड़िता ने अपने पति के हिस्से की जमीन पर जेठ द्वारा कब्जा किए जाने की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है और फॉलोअर्स होने का नाजायज फायदा उठाते हुए पुलिस द्वारा उत्पीड़न कराने की शिकायत भी की है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। एसपी कार्यालय, क्या समस्या है? समस्या मेरी है साहब, मुझे मेरे मकान पर कब्जा मेरे जेठ जी अरविंद जो फॉलोअर है एसपी के यहाँ, तो वो हमें सरकारी फॉलोअर है, वो मुझे पहले बंटवारा हुआ था मेरे रिश्तेदारों के सामने, तो मेरे मकान पर वो अभी तक कब्जा करे हैं। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना से वो कॉलोनी मिली है तो मेरा आधा बना है, आधे में मेरे पीछे की तरफ से कब्जा करे हुए हैं। तो जब हम बोलते हैं उनसे तो उनका लड़का मुझे धमकी देता है, वो ये कहता है कि तुझे मार देंगे, तेरे पति को भी मार देंगे। और फिर उसके बाद सुबह मैं काम करके जा रही थी तो उसने मेरी रास्ते में रास्ता रोक कर मुझे धमकी दी है, पप्पन और अवनीश नाम है उसका। इसकी शिकायत की थी थाने में? हमने उस पर चौकी पे कहा है तो चौकी पे कह के अभी दरोगा जी गए थे बलवीर सिंह, तो वहाँ पर जाके उन्होंने मतलब देखा तो हमारा फ्रेंड देवरानी अंदर से नाप रही थी, तो मैंने कहा जब सबका अंदर से नपेगा तो मेरा भी अंदर से आप नापो, अगर सबका बाहर से नपेगा तो मेरा भी आप बाहर से नापो, मुझे न्याय चाहिए। मेरा आदमी डायबिटीज का मरीज है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं अपने घर में झाड़ू पोछा करके मैं अपना गुजारा चलाती हूँ।